नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं उड़ान योजना के अंतर्गत नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, साथ ही रिसीविंग डिटेल्स आप कैसे देख सकते हैं, कितने आपको प्राप्त हुए हैं और उनको किस तरह से आप वितरण में प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर जाके करेंगे। ऑफलाइन आप रजिस्टर तैयार करते हो उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण के ऊपर भी करनी होगी। एंट्री किस तरह से करते हैं संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्कूल आईडी लॉगिन और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन नेम जो आपका हाई स्कूल का यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे आप इस तरह से स्कूल पेज लॉगिन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे विद्यालय नाम से एक टैब आ रहा है, तो विद्यालय के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप विद्यालय पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है उड़ान नैपकिन रिसीविंग डिटेल्स का, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है उड़ान नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री का। तो पहले आप जाएंगे इसके ऊपर रिसीविंग डिटेल्स के ऊपर। जैसे आप रिसीविंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एंट्री होगी, आपके पीओ ऑर्डर नंबर होंगे यहाँ पे लिखे हुए, और यहाँ पे होगी आपकी आईडी, और यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल डेट सत्र के लिए होगी। हमने पिछले सत्र की बात करें तो दो शेड्यूल के तहत हुई, अब नए सत्र की बात करें तो एक शेड्यूल की डिलीवरी हो चुकी है। इसी तरह पीओ ऑर्डर नंबर डेट होगी यहाँ पर, ऑर्डर की नैपकिन की संख्या जैसे पहले ऑर्डर में 1050, फिर दूसरे में 1260 है, फिर 1260 है। उसी तरह सप्लायर नेम आएगा या एमडी हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत ये सप्लाई होते हैं। अब जैसे ही आप डेट यहाँ डालोगे उसको सेव करोगे, फिर उससे पूर्व सीबी और पीओ ऑर्डर नंबर वेरीफाइड होगा, उसके उपरांत यहाँ पे आपके शो होगा। जब तक वेरीफाइड ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ से आप इस बिल के ऊपर क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा, और यहाँ पर जाके आपको रिसीविंग डेट डालनी होगी और उसके बाद नैपकिन की संख्या दर्ज करनी होगी भाई कितनी। जैसे 1050 थी, 1050 प्राप्त हुई, इसी तरह 1260 वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो ये रिसीविंग हुई या नहीं, यहाँ पे 1260 डालेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप डालोगे, उसके बाद सेव करोगे। सेव के उपरांत आपके अगले डिस्ट्रीब्यूशन में शो होगी, तो ये काम आपको करना होगा। उसके उपरांत आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट मॉड्यूल के अंदर। जैसे आप ये रिसिप्ट एंट्री जो आपके सामने ऑर्डर नंबर उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी डिटेल ओपन होगी, जिसमें वही होगी आई डी, अब क्वान्टिटी कितनी 1050 है और आपने कितनी प्राप्त की, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है 1050, फिर सेव बटन पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ इस तरह से सेव हो जाएगी। एक बार सेव करने के उपरांत वापस कलेक्शन किसी तरह का नहीं होगा, तो जो आपको प्राप्त हुई है उसकी क्वांटिटी को देख करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करके इसको सेव करना है। सेव के उपरांत आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप इसके ऊपर जाएंगे, उड़ान नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे शेड्यूल नंबर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से 22-23 हो रहा है। यहाँ पर इसी तरह से आप शेड्यूल तीन में यहाँ वितरण किए जा चुके हैं, जैसे 23-24 का एक शेड्यूल और 2-22-23 के यहाँ शो हो रहे हैं। तो पूर्व के आपने यदि कर दिया तो ठीक है, नहीं की तो वो भी एंट्री पूरी कर देनी है। नए सत्र की एंट्री यहाँ से आप इसको टिक करके कर सकते हैं। जैसे आप इसको टिक करेंगे, जैसे न्यू सेक्शन को आपने सेशन को सिलेक्ट किया है, नीचे क्लास वाइज और गर्ल्स स्टूडेंट टोटल नैपकिन संख्या शो होगी। यहाँ पर क्लास आ रही है, सेक्शन आ रहा है और टोटल संख्या आ रही है यहाँ पर 40 नामांकन के अनुसार। फिर नंबर ऑफ नैपकिन यहाँ से वितरण किए जाएंगे, वो संख्या यहाँ पे शो होगी। वितरण करने के लिए आपको क्लास के ऊपर जाना, इसके ऊपर टिक करेंगे। जैसे इस पर करोगे पूरी स्टूडेंट की जितने भी है उस क्लास के, जैसे सटी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे आप क्लास पे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री आपको जिस डेट को आप करें वो डेट की एंट्री करनी होगी। यहाँ विद्यालय का नाम होगा, कक्षा होगी, सत्र आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन डेट यहाँ पर डेट डालनी है आपको, जिस दिन आप वितरण करें उसकी डेट डालनी है। डेट के उपरांत गो बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी 0 शो हो रहा है क्योंकि वहाँ से प्राप्त हुए वो एंट्री आपने पहले उसमें रिसीव में जाके सेव करनी होगी। उसके उपरांत यहाँ पे 1260 है तो यहाँ पे 1260 आ जाएंगे, और 1260 में से आपने जितने वितरण कर दिए उसके उपरांत शेष रहेगी वो यहाँ पे शो होगी। तो गो बटन पे क्लिक करेंगे जिस डेट को आपने वितरण किया है। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ स्टूडेंट नेम आ जाएगा, गर्ल्स का नेम या फादर नेम और डी ओ बी शो होगी। यहाँ पर नैपकिन की संख्या आपको दर्ज करनी है, एक पैकेट में सर के हिसाब से आपको नैपकिन वितरण करना होगा, यानी सर का अनुपात रखना है। जैसे सर इनको 3 बार कर रहे हो तो 18 यहाँ संख्या दर्ज कर सकते हो, यानी सर के अनुपात में यह संख्या दर्ज करके नीचे सबमिट बटन पे आपको सेव कर देना है। तो इस तरह से आप जब नैपकिन वितरण करेंगे तो यह संख्या आप देख रहे हैं शो हो रही है, जैसे यहाँ पे 324 आ रहा है, 500 आ रहा है, इसी तरह से संख्या आपके शो होगी। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।